2028 तक भारत तेज विकास दर के रथ पर सवार होकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इसमें अभी 11 साल का वक्त लगेगा। अमेरिकी बैंक मेरिल लिंच की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2028 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये दावा भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को देखकर अनुमान किया गया है। फिलहाल ब्राजील और रूस को पीछे छोड़ भारत ब्रिक देशों में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 तक भारत फ्रांस और ब्रिटेन को पछाड़ देगा। इसके साथ ही ये देश जर्मनी के बाद दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वर्तमान GDP 7% की दर से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल 2.26 खरब डॉलर थी। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्या साइज होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया 2028 द लास्ट ब्रेक इन द वॉल है। इसके मुताबिक वित्तीय परिपक्वता और लोगों की बढ़ती आय और सामर्थ्य के कारण भारत तेजी से अपनी इकोनॉमी में सुधार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 में भारत का निर्भरता अनुपात का प्रतिशत अभी के 52.2% के मुकाबले घटकर 46.2% रह जाएगा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि GDP पर बचत दर 32% के बराबर रह सकती है। इसी साल 31 अक्टूबर को आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रिपोर्ट रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। देश की रैंकिंग 30 पायदान सुधरकर 100वें पायदान पर पहुंच गई है। इससे उत्साहित मोदी सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया, जिससे देश आने वाले वर्ष में कारोबार सुगमता के मामले में शीर्ष 50 देशों में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।